नमस्कार मित्रों, मैं आ गया एक और वीडियो के साथ। तो शुरू करेंगे हम लोग अपना केबीसी। आई वुड लव टू लिव नियर हरिद्वार और वाराणसी सिंस दे आर सच होली स्पॉट्स फॉर हिंदुइज्म। ये कथन जूलिया रॉबर्ट्स का है। इस तरह के कथन अभी मार्क ट्वाइन वाले आए थे, और इससे पहले पिछला वर्ष भी मार्क ट्वाइन के कथन से क्वेश्चन आए थे। तो एक पहला प्रश्न लेते हैं, भारत कुल कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर सीमा बनाती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। आंसर होंगे 7। 7 देशों के साथ बॉर्डर बनाती है, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत का जो सीमा है इन देशों से टच करता है। अगला प्रश्न, भारत में देश की पहली LED सिनेमा स्क्रीन किस सिनेमा हॉल में लगी थी? ए PVR सिनेमा वसंत कुंज, बी मिनर्वा थिएटर कोलकाता, सी राज मंदिर जयपुर, डी प्रसाद थिएटर। आंसर होंगे PVR सिनेमा वसंत कुंज दिल्ली में। सबसे पहले देश की पहली LED स्क्रीन लगी थी, इससे जो पिक्चर क्वालिटी 10 गुना अच्छी हो जाती है और लाइट में भी पिक्चर बड़ा अच्छा रहता है। 2018 में लगा था सैमसंग कंपनी की ओर से, और भी अब तक कुछ और लग गए होंगे। ऐसा प्रोजेक्ट था सैमसंग कंपनी के पास कि और कई सिनेमा हॉलों में LED स्क्रीन लगाने का था। तो प्रश्न 3, जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल कितना था जब वह राज्य था? आंसर होंगे 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। अभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जम्मू कश्मीर, और दो पार्ट में बट गया, लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र। अगला प्रश्न, इनमें से किस खेल में हर खिलाड़ियों को 10 तरह के खेलों में भाग लेना होता है? ए मैराथन, बी डेकाथलन, सी ट्रायथलन, डी हेप्टाथलन। आंसर होंगे डेकाथलन। 10 तरह के खेल होते हैं इसमें। अगला प्रश्न, हांगकांग में प्रत्यार्पण बिल के विरुद्ध हो रहे आंदोलन को मीडिया में और किस नाम से भी जाना जाता है? ए अम्ब्रेला आंदोलन, बी जेब्रा आंदोलन, सी प्लेटफॉर्म आंदोलन, डी सोशल साइट रिवोल्ट। इसका आंसर होंगे अम्ब्रेला आंदोलन। मित्रों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर दे, और कुछ मित्र हैं जो बिना वीडियो पूरा देखे लाइक देते, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला के लेखक कौन थे? ए प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। आंसर होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। मित्र इस पे जो फिल्म बनी थी उस फिल्म में पंडित रविशंकर जी ने संगीत दिया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग होने से आंखें आंसू बनाना बंद कर देती है? ए पेलिग्रा, बी जीरोप्थेल्मिया, सी रतौंधी, डी मायोपिया। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। आंसर होंगे जीरोप्थेल्मिया, इससे आंखें आंसू बनाना बंद कर देती है, विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर क्यों लिखी जाती थी? दाई से बाई। ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। आंसर होंगे खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि को दाई से बाई लिखी जाती थी, और जेम्स प्रिंसेस ने इस लिपि को पढ़ा था। इस लिपि को पढ़ने के बाद अशोक के शिलालेख जो थे और अभिलेख, इसको पढ़ने में मदद मिली थी, जो खरोष्ठी लिपि में थे, जेम्स प्रिंसेस।
अगला प्रश्न, चंबा रुमाल इनमें से किस राज्य में बनाया जाता है या प्रसिद्ध है, किस राज्य में बनता है? ये हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी आसाम। चंबा रुमाल, आंसर होंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ये पहाड़ी चित्रकला इसमें देखने को मिलेंगे। कृष्ण की कथा और विषय वस्तु इसमें वो कह जाता है, ये हरा पीला और भगवा रंग में सूक्ष्म कढ़ाई के साथ मिलते हैं। ज़्यादातर विवाह के समय इसको गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में बौद्ध स्थल तैबो मठ अवस्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तबो मठ, आंसर होंगे हिमाचल प्रदेश। 960 में महान विद्वान रिचेन जंगपो ने इसका स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कौन है? ए एम सी मैरी कॉम, बी साइना नेहवाल, सी पी वी सिंधु, डी कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली, आंसर होंगे कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक 2000 में उन्होंने कांस्य पदक जीते थे वेट लिफ्टिंग में। प्रथम भारतीय महिला, देश का नाम रोशन किए थे। 110 केजी और 130 केजी के कैटेगरी में और कुल मिलाकर 240 केजी हुआ था और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये कर्णम मल्लेश्वरी। मित्र, आप लोगों से बहुत कई लंबे समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो नए मित्र बने हैं उनका भी धन्यवाद, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल, तो अगर आप चाहते हैं केबीसी से जुड़ी इस तरह के प्रश्न आप देखना चाहते हैं, तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर दे, और बेल आइकन जो देखते हैं घंटी घंटी को भी प्रेस कर दे, इससे फ्री में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और आप इस तरह के प्रश्न देख सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। नमस्कार।